स्टूडेंट, आज हम लोग भौतिक राशियां के बारे में अध्ययन करेंगे। ये भौतिक राशियां क्या है, इसके कितने प्रकार है, इस सब के बारे में आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। ये भौतिक राशियां किसको कहेंगे, वैसी राशियां जिसको मापा जा सकता है, वे सारी राशियां भौतिक राशियां कहलाती है। अब कुछ राशियां ऐसे भी होते हैं जिसको आप माप नहीं सकते हैं, वो सारी राशियां अभौतिक राशि नॉन फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। जैसे आप कितना खुशी हैं, आप कितना दुखी होते हैं, आप अपने माँ बाप से कितना प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, लव करते हैं, ये सारी चीज क्या कहलाएगी, अभौतिक राशि कहलाएगी। अभौतिक राशि कभी भी भौतिकी में यानी फिजिक्स में नहीं पढ़ना होता है। फिजिक्स में जो भी राशियां हम पढ़ेंगे वो सारी राशियां भौतिक राशियां ही कहलाएगी। तो इसमें हम लोग देखेंगे कितने इसके प्रकार होते हैं। भौतिक राशियां के दो प्रकार है, एक मूल राशियां, दूसरा क्या है आपका व्युत्पन्न राशियां। ये मूल राशियां क्या है, ये व्युत्पन्न राशियां क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जो इसमें आगे स्टडी करने वाले हैं वो हम लोग मूल राशियां के बारे में अध्ययन करेंगे। मूल राशियां क्या कहलाती है, वैसी राशियां जो किसी दूसरे राशियों पर निर्भर नहीं करेगी वो सारी राशियां मूल राशियां कहलाती है। आप ये भी कह सकते हैं कि मूल राशियां सेल्फ डिपेंडेंट होता है, सिर्फ अपने आप पर निर्भर करता है, किसी दूसरे पर निर्भर, दूसरे राशियों पर निर्भर कभी भी नहीं करता है। आप सच एग्जांपल देखें तो सबसे पहले आपको दिखा रहा हूं, ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं एक जो जिराफ है, खिलौना है, इस जिराफ के पैर से लेकर के इसके सर तक को देखा जाए, हमने इसके लंबाई को मेजरमेंट किया है। इस खिलौने का जो पैर से लेकर के सर तक की लंबाई है आज भी उतना ही है जितना कल भी रहेगा, जितना कल भी था, यानी जो लंबाई है इस खिलौने का समय के अनुसार से परिवर्तित नहीं हो रहा है। इसका मतलब लंबाई क्या है, भौतिक राशियों में मूल राशियां है, दैट्स राइट। अब इसके बाद हम आगे देखेंगे तो और भी हम एक एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल क्या दे दिया है, एक बॉल, एक जो फुटबॉल दिया हुआ है, इस फुटबॉल का जो द्रव्यमान हम लोग मापते हैं, मास हम लोग मापते हैं। अब इस फुटबॉल का जो द्रव्यमान है, मास है, समय के साथ ये भी आपका परिवर्तित नहीं होता है। इसके अलावा द्रव्यमान किसी दूसरे भौतिक राशियों पर भी निर्भर नहीं करती है। द्रव्यमान आपका सिर्फ और सिर्फ एक इंडिपेंडेंट है, ये अपना सेल्फ डिपेंडेंट क्वांटिटी होता है, तो ये भी क्या कहलाएगा, आपका फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, या इसी को हम लोग मूल भौतिक राशि या आधारी राशि भी कह सकते हैं। इससे आगे देखिए एक और एग्जांपल है, जैसे समय, समय भी क्या होता है, किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे, किसी दूसरे भौतिक राशि पे निर्भर नहीं करता है, तो समय भी क्या कहलाएगा, मूल राशियां कहलाएगी, दैट्स राइट। अब इसके बाद मूल राशियों के बाद कुछ राशियां ऐसी भी होती है जो आपका मूल राशियों पे निर्भर करती है, कुछ राशियां ऐसी भी होती है जो आपका आधारी राशियों पर निर्भर करती है, यानी वैसी राशियां जो आधारी राशियों पर निर्भर करती है वो सारी राशियां व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। जैसे इस टेबल को आप देख रहे हैं, इस टेबल का यदि हम लोग लंबाई के बारे में बात करें तो इस टेबल का लंबाई, लंबाई क्या कहलाएगा, यदि हम लंबाई को ड्रॉ करें तो इसका लंबाई मूल राशि है, इसका जो चौड़ाई है ये चौड़ाई भी क्या है, मूल राशि है। लेकिन जब इस टेबल का, इस मेज का यदि आप क्षेत्रफल निकालिएगा तो ये क्षेत्रफल जो होता है वो व्युत्पन्न राशियां होती है। कैसे व्युत्पन्न राशियां होगी, हम लोग क्या जानते हैं, किसी भी जो आपका आयत है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है, ये क्षेत्रफल बराबर होता है क्या, लंबाई गुने चौड़ाई। यदि आप लंबाई को चौड़ाई के साथ गुना करें तभी जाकर के क्षेत्रफल आता है। लंबाई भी आपका आधारी राशि है या मूल राशियां है, चौड़ाई भी आपका मूल राशियां है, लेकिन दो मूल राशियों के गुना करने से आपका क्षेत्रफल आया है, इसीलिए क्षेत्रफल क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल हमेशा व्युत्पन्न राशि कहलाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आगे बात करें, आगे हम देखें तो इस पे देखिए एक जो बॉल है, ये बॉल क्या कर रहा है, टेबल पर रोल कर रहा है। अब इस गेंद के पास कितना चाल है,
कैसे मोशन कर रहा है, इस सब के बारे इसका जो मोशन होता है ये मोशन क्या कहलाएगा, व्युत्पन्न राशियां कहलाएगा। अब इसके बाद आगे हम देखें तो किस प्रकार से साउंड एयर मॉलिक्यूल को डिस्टर्ब कर रहा है, इसमें जो साउंड है ये साउंड आपका क्या कहलाता है, व्युत्पन्न राशियां कहलाता है। अब इसके बाद देखें जैसे कार का क्या वेग है, तो कार का वेग भी क्या कहलाता है, व्युत्पन्न राशियां। ठीक है।